नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 30 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल मॉडुलस और इसमें आर्ग्यूमेंट दोनों आपको फाइंड आउट करना है ना, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरह से कुछ दिया गया है, 1 प्लस 2 आयोटा और अकाउंट में दिया गया है 1 माइनस 3 आयोटा इंटू। अब देखिए क्या करना है कि नीचे में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नीचे में मैंने आपको कई दफा समझाया कि नीचे में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो केवल उसके कंजुगेट से आपको ऊपर भी और नीचे भी इंटू कर लेना है, हाँ यार। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, हाँ यार, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे उसी के कंजुगेट से इंटू कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि 1 से 1 इंटू हुआ तो 1 होगा, 1 से ये इंटू करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस 3 से करेंगे तो 3 आयोटा और प्लस इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये हो गया 1 प्लस 5 आयोटा और ये हो जाएगा -6, चूंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 10। अब यहाँ से 5 कॉमन करके 10 से कटा देंगे तो ये बच जाएगा -1 माइनस आयोटा बाई 2, यानी कि -1 बाई 2 ये हो गया इसका रियल पार्ट और 1 बाई 2 आयोटा ये हो गया इसका इमेजनरी पार्ट, यानी कि -1 बाई 2 रियल पार्ट और 1/2 इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब आपको क्या करना है कि इसका मॉडुलस भी निकालना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका आर्ग्यूमेंट भी आपको निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है मैंने आपको कई बार समझाया है कि मॉडुलस कैसे निकलता है, भाई रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो इंटू प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर कर दो और प्लस में वाई स्क्वायर कर दो, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर में और प्लस इमेजिनरी पार्ट का उसको स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से यहां भी आपको करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज दैट ये भी जेड है ना, ये जेड इक्वल टू दिया गया है, तो जब हम मॉड जेड निकालेंगे तो क्या करेंगे कि रूट अंडर कर देंगे और -1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे और प्लस में 1/2 का भी होल स्क्वायर कर दोगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, यानी कि ये हो गया 1/2/4, है ना, ऐड होकर के ये हो गया 2/4 और ये काट पीट यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/2, हाँ है ना, चूंकि 2 से 4 कटेगा दो बार में और ये हो गया रूट अंडर 1/2, यानी कि ये हो गया 1/√2, ये हो गया इसका मॉडुलस, ये हो गया इसका मॉडुलस, ये भी आप कह सकते हो, है ना, आर भी कह सकते हो और यहाँ पर इसको मॉड जेड भी आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आर भी क्या है तो मॉडुलस ही है। यहाँ पर आर हम लोग यूज करते हैं पोलर फॉर्म में और ये हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप इसमें जो है वो नोट कर सकते हो, ये हो गया इसका मॉडुलस। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इसका आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट निकालना है, हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ देखिए रियल पार्ट किसमें है, नेगेटिव में, और इमेजिनरी पार्ट किसमें है, पॉजिटिव में। अगर इसको हम लोग प्लेन में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये है माइनस में, यानी कि रियल पार्ट जो है वो है माइनस में यानी कि नेगेटिव में, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव में, इमेजिनरी यानी कि ये वाले एक्सिस में। तो यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 + 1/2 आयोटा ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो है वो पाई माइनस थीटा होती है, यहाँ पर थीटा होती है, यहाँ पर थीटा माइनस पाई होता है और यहाँ पर माइनस थीटा होता है, हाँ ना। इस चीज को मैंने जो है वो प्रूफ भी आपको कराया है कि ऐसा ही क्यों होता है ना, तो ये सारा चीज जो है वो आपको डिटेल में जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का वहां से। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और वहां पर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू पाई माइनस थीटा होती है। तो पहले हम थीटा निकाल तो ले फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो थीटा कैसे निकलेगा, यानी कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले इसको हमको पोलर फॉर्म में, है ना, पोलर फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पर ये आपको देखना है कि जो ये -1/2 है इसका स्क्वायर किए तो आपको निकला आर का वैल्यू या फिर मॉड जेड का वैल्यू 1/√2, ठीक है 1/√2। अब मैंने आपको सिखाया है कि 1/√2 से आप इसको इंटू भी कर दे और 1/√2 से आप इसको डिवाइड भी कर दे, तो 1/√2 से जो आप इस नंबर को इंटू करोगे उसको तो आपको बाहर में रखना है और जो 1/√2 से इस पूरे को इंटू करोगे, सॉरी जो इंटू करेंगे तो बाहर और जो डिवाइड करोगे 1/√2 से उसको अंदर में ले जाना है, यानी कि -1/2 अपॉन में 1/√2 प्लस 1/2 आयोटा अपॉन में 1/√2, सॉरी मिस्टेक,
ऐसा है ना, आपको ये काम करना है। ये काम करने से होगा क्या कि ये तो हो गया वन बाय रूट टू, और यहां क्या होगा, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये माइनस रूट टू अपॉन में टू आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा रूट टू अपॉन में टू आयोटा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर ये रूट टू है ना, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो रूट टू से इंटू रूट टू से डिवाइड, तो रूट टू इंटू रूट टू ये हो गया टू, और नीचे में इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू, और प्लस यहां भी हो जाएगा सेम उसी तरह से टू हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा ये टू रूट टू आयोटा, टू रूट टू आयोटा। अब क्या होगा कि यहां से ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहां पर ये अब रह गया है वन बाय रूट टू इंटू माइनस वन बाय रूट टू, और यहां रह गया ये प्लस वन बाय रूट टू आयोटा। हाँ, उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि ये वैल्यू कॉस के कितने रेडियन पर होती है और ये वैल्यू साइन के कितने रेडियन पर होती है, लेकिन हाँ इक्वल रहनी चाहिए। तो यहां से आपको पता लगेगा कि वन बाय रूट टू इंटू ये वैल्यू होती है कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू, है ना, ये माइनस यहां पर हम लोग इसको बाहर कर लिए माइनस को, और वन बाय रूट टू यानी कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू, उसी तरह से ये वैल्यू होती है साइन पाई बाय फोर का वैल्यू, और आयोटा यहां पर मैंने कर लिया। तो यानी कि ये जो है वो आना है। अब यहां पर ये देखना है कि कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में अलाइन कर रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, तो पाई है और माइनस आपको यहां पर थीटा कर देना है, थ्री कितना हो जाएगा फोर पाई माइनस पाई अपॉन में फोर, ये जो अपॉन में फोर रहेगा ये पूरा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, यानी कि यहां पर इसका मॉडुलस निकला वन बाय रूट टू और इसी का आर्ग्यूमेंट निकल गया थ्री पाई बाय फोर। आप इसको नोट कीजिए,